नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ, कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने से 4 दिन की नवजात बच्ची की मौत। इजराइल एयरफोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर, मारा गया बिलाल अल कैदरा। कर्नाटक के तिरुवन्नामलाई में कार और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत। अफगानिस्तान के हेरात शहर में भूकंप के तेज झटके, 6.3 मापी गई तीव्रता। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, इजराइल फिलिस्तान संघर्ष में मारे गए 2329 फिलिस्तानी। लेबनान की ओर से दागे गए मोर्टर से 3 इजराइल घायल, 1 की हालत गंभीर। सीरिया में हथियार भिजवाने की कोशिश कर रहा ईरान, इजरायली अधिकारी ने दी जानकारी। गगनयान को लेकर इसरो ने दी खुशखबरी, मैन मिशन पर चीफ सोमनाथ ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस ने जारी की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों के लिए पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश की 144, छत्तीसगढ़ की 30 और तेलंगाना की 55 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। तमिलनाडु में मंदिर से लौट रहा था परिवार, ट्रक से कार की हो गई टक्कर, 8 लोगों की मौत। गाजा में हमास का एक और कमांडर ढेर, इजरायली सैनिकों ने बिलाल अल कैदरा को उतारा मौत के घाट। देश में जल्दी आने वाली है रैपिड रेल, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें, अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे ओपी धनखड़ और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। फरीदाबाद के प्रिथला विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवरात्रि के प्रथम दिवस पर तमाम कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस बीच लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हमारे हर सम्मेलन में क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जाता है, तब भी कार्यकर्ताओं की भीड़ कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम के मुकाबले भारी देखने को मिलती है। यही बीजेपी पार्टी की ताकत है और उनका मजबूत नेटवर्क है। इस बात का आनंद है कि हमारा इतना बड़ा कैडर और इस लेवल का कैडर है, पहली बार हम हरियाणा में खड़ा करने में सफल हुए हैं। पहले हम थे बूथ की समिति तक थे, लेकिन पन्ना तक हम पहली बार पहुँचे हैं। और एक केवल हमने पोर्टल पर नाम चढ़ाए इतना नहीं किया, हमने सभी को बुलाकर पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामर्थ्य के भरोसे मोदी जी की मैक्रो लेवल की उपलब्धियाँ, भारत का सम्मान, भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था, भारत का सैनिक शक्ति जो है का सामर्थ्य बढ़ना, भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का हब बनना, और जहाँ माइक्रो लेवल पर हर घर में नल से जल, हर घर में शौचालय, उज्ज्वला की गैस, कोरोना की महामारी में संभालना, 80 करोड़ परिवारों को फ्री अन्न, ऐसे अनेक आयुष्मान का कार्ड, और तीसरा संगठनात्मक शक्ति इस त्रिवेणी के भरोसे मिशन 2024 में पुनः हम जो है केंद्र की सरकार भी बनाएंगे और हरियाणा की सरकार भी बनाएंगे। फरीदाबाद में श्रद्धा रामलीला कमेटी की ओर से बड़ी रामायण का किया शुभारंभ। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में 17 अक्टूबर से श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी की ओर से एक बड़ी रामायण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें करीब 80 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं। श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी पिछले 16 सालों से लगातार बड़े पर्दे पर रामलीला दिखाने का कार्य करती है। इस कमेटी का सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र उर्दू में रामायण के श्लोक उच्चारण होते हैं। इसमें कलाकार अलग अलग कला का शानदार प्रस्तुति देते हैं। हमारी संस्कृति देख के, हमारे डायलॉग को देख के जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि वाकई में हमने भी रामलीला में पार्ट प्ले करना है, और उसके पीछे हमारे सीन्स को कैसे कैसे नए सीन्स क्रिएट करने हैं, कैसे चौपाइयाँ डाली गई हैं, इसमें बहुत कुछ आप सबको देखने सुनने को मिलेगा। रामलीला शुरू होने से पहले हम प्रेस वार्ता बुलाते हैं, वो वजह ये होती है कि हम अपने जो भी एक रामलीला का नेक काम शुरू करने जा रहे हैं आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे और लोग हमारे साथ जुड़ें। जो पीड़ा हमने पीड़ा उठाया, एक नई संस्कृति जो हमारे नए जनरेशन है उनको अपनी संस्कृति से जोड़ के रखें, और वो भी इसी तरह से आगे हमारे पदचिन्हों पे चलते हुए आगे अपने वो आगे आने वाली पीढ़ियों को जोड़ते रहें अपने साथ। ये वजह हो रही है।
ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की खबरें। इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।